ये देखना जरा, पूरा का पूरा ट्रक पलटा हुआ है यार। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। सीन कुछ ऐसा था कि कल मैं 3 बजे यहाँ पे तो पहुँच गया था और मैंने आपको अपडेट भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद जो बारिश बरसी है यहाँ पे, मतलब क्या बरसी है मैं क्या बताऊँ। मतलब रात तक 9 बजे तक बारिश रुकी नहीं, उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया कहीं बाहर जाने का, तो मैं ऐसे ही खाना खा के इधर ही सो गया था। तो आज का अपडेट ये है, प्लान कुछ ऐसा मैंने सोचा है कि आज अपा चलते हैं सोलंग वैली, वहाँ पर ATV राइड करते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है और काफ़ी मेरे को मतलब शौक आ रहा है कि चलो एक ATV का राइड लेते हैं, देखते हैं क्या चार्जेस है, क्या एक्सपीरियंस है और कितना मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो जी सीन कुछ ऐसा है, ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं है और हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए सोलंग वैली। सोलंग वैली का जो डिस्टेंस है यहाँ से 12 किलोमीटर का है। खड़ी है अपनी बुलेट, हालत देखो क्या हो गई है यार इसकी। तो इसमें अभी कराना क्या है, इसका स्पीड मीटर बदलवाना है, मतलब ये नहीं इसका जो वायर है वो ख़राब हो गया है वो बदलवाना है, प्लस इसमें जो इंजन ऑयल है वो टॉप अप करवाना है थोड़ा सा, ताकि दिल्ली तक मैं खींच दूँ इसको। पहले जाके बाइक में थोड़ा सा काम करवा लेंगे, इंजन ऑयल चेंज करवा लेंगे। ये है हडिम्बा रोड टेम्पल। तो जी ये जो सामने जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पेड़ के आगे, ये पूरा का पूरा मनाली का माल रोड है, ये पूरा माल रोड है। टूरिस्ट की बात करूँ तो टूरिस्ट इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है हर जगह, आप लोगों को पता ही होगा दिल्ली को छोड़ के हर जगह बारिश हो रही है। ये देखो जी बादलों ने कैसे पहाड़ों को घेर रखा अच्छे से, वहाँ पे भी वही हाल है और इस तरफ भी हर जगह वही हाल है, मतलब बारिश कभी भी हो सकती है। वायर मिल जाएगा मीटर का, इसका जो है ना वायर टूट गया है, मीटर वायर वो है आपके पास में? मीटर वायर हाँ। ये बाइक सही, वेलकम टू सोलंग वैली गाइज। ये देखना जरा, पूरा का पूरा ट्रक पलटा हुआ है यार। इस रास्ते में एक भाई मिले जिनको मैंने लिफ्ट दी है अभी, उनको मैं वहाँ तक छोड़ने के लिए जा रहा हूँ और उनका यही बिजनेस है एक्टिविटीज़ कराने का, जिप लाइन हो गया, ATV राइड हो गया। ये लगा तो आगे सीधा पार्किंग में जाने दो, पार्किंग में सीधा। अरे इतना तो रेट है सर जी, ना तो मुझे भी पता है, थोड़ा डिस्काउंट कर दो। और अच्छा देखो यूट्यूब पर वीडियोज़ बन रहा है आपका भी, आपका भी फेस सिस्टम आ रहा है तो सब्सक्राइबर्स है अपने अच्छे खासे, अगर चल गया तो फिर अच्छा हो जाएगा आपका भी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मैं नीचे डाल दूंगा। हाँ ये भी मेरे को लेके जा रहा है अपनी साइड पे दिखाने के लिए, और बार्गेनिंग हर जगह काम आती है भाई से भी मैंने बार्गेनिंग किया, अभी देखते हो साइड दिखाते अगर पसंद आएगा तो करेंगे आगे का, नहीं तो भाई नीचे लेके जाएंगे जिप लाइन के लिए। अच्छा ये वाले टॉप से लेकर वहाँ तक है ना, दूसरे टॉप से आप इस साइड पर आएंगे आगे बढ़ते। अच्छा अच्छा तो ये कितना दूर हो गया? ये शायद 1.5 किलोमीटर का। 1.5 किलोमीटर और नीचे वाला 2 किलोमीटर है ना? 2 किलोमीटर। तो जी दोनों एक्टिविटीज़ के मैंने 1000 में बात कर लिया, या मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने किसी और से पूछा नहीं है, बंदे का बिहेवियर मेरे को अच्छा लगा। तो 1.5 किलोमीटर रखी राइड रहेगी जिप लाइन की और 2 किलोमीटर तक का ATV राइड रहेगा। पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है मेरे लिए। जी मैंने जो पहली बार जो जिप लाइन का राइड किया था वो मैंने कहीं पे किया था, जस्ट चिल में किया था, जो वाटर पार्क है वो भी थोड़ी सी दूर का था, लेकिन ये वाला अभी तक नहीं किया, ये मेरा पहली बार होने वाला है। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? फीलिंग गुड? तो पहले ये भाई लोग जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे यार।
बहुत हार्ड, क्या भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है यार। बस चलो फिर जाओ, वापस भी जाना है वो, हाँ वो जा रहे भाई। अच्छा उनके पीछे पीछे जाऊँ, दूसरा राउंड वापस जाने का। ठीक है सही, चलिए तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को बताना, मेरे को तो इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। भाई का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अभी भाई से थोड़ी सी बात करेंगे, पहले अभी एटीवी राइड करके आते हैं, उसके बाद बात करते हैं भाई से थोड़ी। तो जी ये रहा अपना एटीवी, थोड़ा सा पुराना टाइप में एटीवी है, क्योंकि नंबर वाली बात रहती है यहाँ पे कि उसके बाद उसका नंबर आएगा, उसके बाद उसका नंबर आएगा। तो ये अपना एटीवी रहेगा, और 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक की राइड रहेगी। बैठो, ये एक्सेलेटर, ये एक्सेलेटर रहेगा, यही देना, यही देना है, वीडियो बना रहे, हाँ वीडियो बना रहे, आप पकड़ लो मैं चला देता हूँ। ये ब्रेक है ना, थोड़ा सा आगे बैठ, एटीवी की राइड और जिप लाइन का मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोग आते हो मनाली में और सोलंग वैली में, तो भाई से ज़रूर एक बार कांटेक्ट करना, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई एक बार बताओ अपने अपने बारे में, अपना नंबर, अपना नाम, सब कुछ बताओ। हेलो हाय, मैं बेसिकली मनाली से ही हूँ। जैसे आप भाई किचन के माध्यम से आप विजिट करते हैं यहाँ पर, तो आपको स्पेशली डिस्काउंट दिया जाएगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें छोड़ रहा हूँ, बाकी सोलंग वैली में आपको जो भी एक्टिविटी करनी है तो मैं सब आपको करवा दूँगा। तो जिंदा होकर यहाँ पे आओ, यहाँ पे भाई मिलेंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आने के बाद इनसे कॉन्टैक्ट करो, बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक बार लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।